बाराबंकी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दुकान के बंटवारे के विवाद को लेकर छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि दुकानों के बंटवारे को लेकर विवाद काफी दिनों से चल रहा था। बीती शाम करीब 5 बजे दोनों दुकान पर खड़े थे, जिस पर दोनों में विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। इसी बीच शिवशंकर ने दुकान में रखे फावड़े से अपने भाई के ऊपर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक अक्षय कुमार ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लिया गया है। आज शाम को थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि गुप्तेर बाजार में एक लकड़ी की दुकान पर एक भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, मैं और हमारे सहयोगी अधिकारी भी मौके पर गए। ज्ञात हुआ है कि मृतक अयोध्या कुशवाहा ये लकड़ी की दुकान पर बैठता था। इसका सगा छोटा भाई शिवशंकर है, जिसका उस दुकान में 1/4 का हिस्सा था। इस हिस्सेदारी को लेकर इनमें आपस में विवाद था। आज शिवशंकर अपना हिस्से का 2.5 फीट का जो जगह है उस पर कुछ निर्माण कार्य कर रहा था। उसमें ही कोई आपसी विवाद हुआ, जिसमें उत्तेजना के दौरान शिवशंकर ने फावड़ा चलाकर अयोध्या पर मारा और जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई है। शिवशंकर को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ हो रही है और अग्रिम मुकदमा लिखे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।